स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ सिरिंज के बारे में। सिरिंज कितने प्रकार की होती है। अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए हो, कभी क्लिनिक में गए हो, तो आपने अलग अलग तरह की सिरिंज देखी होगी, अलग अलग वॉल्यूम की सिरिंज आपने देखी होगी डॉक्टर जो यूज़ करते हैं। तो कभी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि भाई किस रूट के लिए कौन सी सिरिंज का यूज़ किया जाता है, बच्चों के लिए क्या कौन सी सिरिंज का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि वॉल्यूम के हिसाब से अलग अलग सीरीज का यूज किया जाता है। तो आज इस वीडियो में सीरीज के बारे में एक पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि सीरीज होती क्या है। तो देखिए, सीरीज एक मेडिकल डिवाइस है जो कि उपयोग में लिया जाता है कोई भी ड्रग को डायरेक्टली हमारे शरीर में इंजेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सीरीज का अगर हम थोड़ा डायग्राम देखें तो बीच वाला जो पार्ट होता है वो बैरल पार्ट होता है, और आगे वाला पार्ट होता है वो नीडल एडाप्टर होता है, और पीछे वाला जो पार्ट होता है वो होता है मतलब कि पिस्टन, या हम प्लंजर भी बोलते हैं उसे, ओके, जो कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। इस तरह की एक सिरिंज होती है, ठीक है। मार्केट में इंसुलिन सिरिंज से लेकर 1 ml की सिरिंज से लेकर 50 ml तक की सिरिंज में अलग अलग वॉल्यूम की सिरिंज अवेलेबल है। जैसे कि इंसुलिन सिरिंज है 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, यहाँ तक हाईएस्ट वॉल्यूम 50 ml की भी सिरिंज मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो सीरीज होती है वो मेटल की हुआ करती थी, वो स्टील की हुआ करती थी। उसमें क्या होता था कि एक पेशेंट को यूज़ करने के बाद उसको वापस स्टराइल करने के बाद या बैक्टीरिया फ्री करने के बाद वापस दूसरे पेशेंट में यूज़ किया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज के समय में सिंगल यूज सीरीज होती है जो कि एक बार पेशेंट में यूज़ करने के बाद हमें उसको डिस्पोज करना होता है, ठीक है। मार्केट में अगर सबसे पहले बात करें तो एक होती है इंसुलिन सीरीज। इंसुलिन नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ऐसी सीरिंज जो इंसुलिन को इंजेक्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। देखिए, इंसुलिन के लिए अलग सीरिंज क्यों होती है। देखिए, जो इंसुलिन होता है वो हमें यूनिट में देना होता है पेशेंट को। अगर कोई डायबिटीज़ का जो पेशेंट है, अगर हमें उनको इंसुलिन लगाना है तो हमें यूनिट में देना पड़ेगा। तो इंसुलिन सीरिंज के द्वारा हम यूनिट में इंसुलिन इंजेक्ट कर सकते हैं पेशेंट में, जैसे कि 20 यूनिट है, 30 यूनिट है या 40 यूनिट है। तो इसके लिए इंसुलिन सीरिंज का यूज़ किया जाता है, जो कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं। उसके बाद होती है 1 ml की सीरीज। देखिए, 1 ml की सीरीज है वो लो डोज कोई है, मतलब कि कोई भी इंजेक्शन है बहुत ही कम मात्रा में आपको देना है, जैसे कि 0.2 देना है, 0.5 देना है, 0.6 देना है, 8 देना है, या 1 ml तक देना है। तो इसके लिए आपको 1 ml की सीरीज का यूज़ करना पड़ेगा। 1 ml की सीरीज के द्वारा आप 0.5, 0.2 या 0.6 वगैरह दे सकते हैं। ये जो 1 ml की सीरीज है वो खास तौर पर इंटरवीनस इंजेक्शन लगाने के लिए या कोई भी वैक्सीन लगाने के लिए, जो कोरोना के जो वैक्सीन है वो इसी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी इंटरमस्कुलर कोई भी इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, या कोई सबकट को इंजेक्शन लगाना है, इंटरडर्मल इंजेक्शन लगाना है, तो उसके लिए आपको 1 ml की सीरीज का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आती है 2 ml की सीरीज या 3 ml की सीरीज। ये सीरीज भी अगर कोई इंजेक्शन है वो हमें कम मात्रा में देना है, जैसे कि 2.5 देना है, 2.8 देना है, 3 ml देना है, तो उसके लिए हम 2 ml या 3 ml की सीरीज का यूज़ कर सकते हैं। इसके द्वारा हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, उसके द्वारा हम इंट्रावीनस इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, बच्चों में भी इसके द्वारा इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। ईजिली इंजेक्शन लग जाता है, इसके द्वारा कोई तकलीफ नहीं होती है। तो लो डोज या कोई भी इंजेक्शन की वॉल्यूम लो है, कम वॉल्यूम में देना है, तो उसके लिए हम 2 या 3 ml की सीरीज का यूज़ कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आती है दोस्तों 5 ml की सीरीज। ये जो सीरीज है बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है, ज़्यादातर केस में 5 ml सीरीज का ही यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा हम इंटरमस्कुलर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, इसके द्वारा हम इंट्रावीनस इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। अगर कोई इंजेक्शन की वॉल्यूम कम है, 5 ml तक है, 4 ml किसी को देना है ड्रग वगैरह, तो इसके लिए खास तौर पर इंटरमस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए या इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाने के लिए 5 ml की सीरीज का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है दोस्तों 10 ml की सीरीज। देखिए, 10 ml की सीरीज के द्वारा हम डायरेक्टली पेशेंट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगा सकते, डायरेक्टली पेशेंट में इंट्रावीनस इंजेक्शन नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको कैनुला की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पेशेंट में कैनुला लगा हुआ है तो हम 10 ml की सीरीज के द्वारा पेशेंट में ड्रग इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली 10 ml की सीरीज के द्वारा पेशेंट में कभी भी आपको इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस इंजेक्शन नहीं लगाना है, ठीक है। और 10 ml की जो सीरीज है वो खास तौर पर ब्लड को कलेक्शन करने के लिए भी यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है दोस्तों 20 ml की सीरीज। देखिए, 20 ml की जो सीरीज है, अगर हम कोई भी इंजेक्शन वगैरह है, कोई भी ड्रग्स वगैरह है, हमें लार्ज वॉल्यूम में पेशेंट में देनी है, तो उसके लिए हम 20 ml की सीरीज का यूज़ करते हैं। 20 ml की सीरीज के द्वारा लार्ज वॉल्यूम में ड्रग को पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 20 ml की सीरीज के द्वारा पेशेंट में डायरेक्टली इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगाना है। इसके लिए आपको इन्फ्यूजन पंप की ज़रूरत पड़ेगी। इन्फ्यूजन पंप क्या होता है, तो देखिए, एक मेडिकल डिवाइस होती है, इसके द्वारा कोई भी इंजेक्शन है या कोई भी ड्रग है, कितने समय में कितनी ड्रग पेशेंट में जानी चाहिए, इसके द्वारा हम सेट करने के बाद, जो 20 ml की सीरीज में पूरी ड्रग भरने के बाद उसमें सेट कर लेते हैं।
उसके बाद आती है दोस्तों 50 ml की जो सिरिंज है, 50 ml की सिरिंज भी सेम 20 ml की तरह ही है। कभी भी इंटरमस्कुलर इंटरवीनस लगाने के लिए 50 ml का यूज़ ना करें, ज़्यादातर केस में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन एक बात का आपको ध्यान होना चाहिए, 50 ml की सिरिंज के द्वारा या तो हम गैस्ट्रिक लेवेज वगैरह करवा सकते हैं, या हम इन्फ्यूजन पम्प की सहायता से 50 ml की सिरिंज में ड्रग भरने के बाद, इन्फ्यूजन पम्प में सेट करने के बाद कितने समय में कितने वॉल्यूम ड्रग पेशेंट में जानी चाहिए वो सेट करने के बाद वहाँ पर हम 50 ml की सिरिंज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये होती है अलग अलग सिरिंज के प्रकार की, किस समय में हमें कौन सी सिरिंज का यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको टाइप ऑफ सिरिंज के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आप सभी लोगों तक पहुँचेगा। सबसे पहले जय हिंद, वंदे मातरम।